शिवे सर्वा कोहरे से भी एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। धीरे धीरे एक एक कदम चलते चलो, रास्ता अपने आप खुलता चला जाएगा। हाय एवरीवन, आप सभी को प्रातः वंदन और सुप्रभात। तो आज है मेरी बेटी खुशी का बर्थडे, तो आज घर में सारा काम भी जल्दी कंप्लीट करना है और मार्केट भी जाना है। हम मॉर्निंग में घर में काम ही करते रह जाते हैं, लेकिन जब काम से थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए तो थोड़ी सी धूप जरूर सेकनी चाहिए। इस बार विंटर में बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, तो मॉर्निंग में ही मुझे लगा कि आज तो धूप बहुत अच्छी निकलेगी, तो मैंने फिर से बहुत सारे कपड़े धो के सुखा दिए। तो अभी हो चुका है लंच टाइम और मैं बना रही हूँ आलू गोभी मटर की सब्जी। सब्जी को खाना बनाने से थोड़ा सा पहले अगर हम कट करके रख लें तो हमें बहुत ही इजी होता है खाना बनाना, और खाना भी झटपट बनके तैयार हो जाता है। तो मैं यहाँ आई हूँ मार्केट खुशी के साथ केक लेने के लिए। तो वैसे तो सारे ही केक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, बट हमने इस बार येलो कलर का केक पसंद किया। अब हम इसी शॉप से लेंगे गोल्डन कलर के कर्टेन्स और रेड और ब्लैक कलर के बैलून्स। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शाम हो चुकी है, इस टाइम टाइम हो रहा है 5:30 और बच्चों ने भी डेकोरेशन कर ली है। आप सब भी इनवाइट हैं खुशी के बर्थडे में, और आप सभी के आशीर्वाद की भी इसे बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इनसे मिलिए हैं, ये है मेरी मम्मी यानी कि खुशी की नानी। तो ये आ गया है खुशी का बर्थडे केक। खुशी की नानी भी आ गई है खुशी को केक खिलाने के लिए, और नानी ने भी खुशी को आशीर्वाद दिया। तो डिनर स्टार्ट हो चुका है, तो आज मैंने बनाए हैं चाउमीन और समोसे। तो यहाँ खुशी बना रही है वीडियो और मैं थोड़ा काम करने में बिजी थी इस टाइम। आज वो जस्ट थोड़ा सा लेजी हो रखा है, क्योंकि उसको कल फीवर हो गया था, इसलिए वो उस टाइम शांत बैठा हुआ है बिल्कुल। Thank you friends for watching this video.